हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किसको फैशन। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारी जो ब्लाउज होती है उसके शोल्डर जो होते हैं वो कभी कभी नीचे उतरने लगती है कंधे से, तो वो किस वजह से होती है और उसका सोल्यूशन क्या है। और उसके साथ मैं आपको इसका जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है शोल्डर रखने का, ब्लाउज में आप कितना रख सकते हो और नेक की चौड़ाई कितना रख सकते हो, वो भी बताऊंगी। तो ठीक है, चलिए, ये है हमारी ब्लाउज, आप देख सकते हैं। इसमें जो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने ब्लाउज रखी हुई है, और ये जो जब हम लोग ब्लाउज बनाते हैं तो उसका जो शोल्डर अगर हम लोग कुछ ज़्यादा रख लेते हैं या नेक की चौड़ाई हम लोग का ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो हम लोग का ब्लाउज की जो शोल्डर है वो इस तरह से उतरने लगती है, इस तरह से कंधे से इस तरह से उतरती है। और एक वजह और भी होती है, जब आप नेक जो आपका बैक का नेक जो होता है अगर आप थोड़ा डीप रख लेते हैं और फिर आपका शोल्डर ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपका जो ब्लाउज होता है वो कंधे से उतरने लगती है इस तरह से। क्योंकि आप जब आप जो बैक का जो नेक होता है वो जब आप डीप रखते हैं तो वो इस तरह से फैलता है, तो उसी की वजह से हम लोग का ब्लाउज कंधे से नीचे उतरता है। अगर बाई चांस फिर भी अगर आपके जो कंधे गिर रहे हैं तो आप उसमें ब्लाउज में जो इस तरह के ये स्ट्रिप में फंसाने के लिए होता है, इस तरह का आप बना सकते हैं ब्लाउज में। इससे आपके जो स्ट्रिप में इस तरह से अटक जाता है और कंधे से ये बिल्कुल नहीं गिरता है। और अगर आप इसमें आप डोरी भी लगा सकते हैं, वो वाला भी आप। तो चलिए मैं आपको ब्लाउज का स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो है वो आपको बताती हूँ। तो चलिए, ये तो हो गया हम लोग का सोल्यूशन, मैंने आपको दे दिया है कि कंधे अगर गिर रहे हैं आपके तो आप क्या क्या इसमें बदलाव कर सकते हैं ताकि आपके ब्लाउज के जो कंधे हैं वो ना गिरे। अभी मैं आपको ब्लाउज की स्टैंडर्ड मेजरमेंट बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसमें जो आपके लिए एक चार्ट ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये किस तरह से आपको यूज करना है। देखिए, जो हम लोग जो 30 से जो 32 तक की जो बस्ट होती है हम लोग की, आप उसमें 6 इंच का शोल्डर रख सकते हैं आसानी से। और नेक की जो चौड़ाई है आप 2.5 इंच रखिएगा, मतलब 2.5 इंच आप रख सकते हैं। और अगर ये मेजरमेंट जो ये जो मतलब शोल्डर की जो ये मेजरमेंट है और नेक मतलब नेक की जो चौड़ाई है, ये मेजरमेंट आप तभी यूज कीजिएगा जब आपकी बैक नेक की डीपनेस 5 to 8 इंच हो, यानी 5 से 8 इंच हो, तभी आप ये मेजरमेंट यूज कीजिएगा। अब 34 इंच की अगर आपकी बस्ट है तो आप उसमें 6.5 इंच का शोल्डर रख सकते हैं। और नेक की जो चौड़ाई है आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, या उससे अगर आप 3 इंच रखना चाहते हैं, मतलब अगर आपको चौड़ा पसंद है तो आप 3 इंच भी रख सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि आपकी जो बैक नेक की जो डीपनेस है वो 5 से 8 इंच ही हो। और आर्म होल आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा और आप ये मेजरमेंट जरूर अपनाइएगा और मुझे बताइए कि आपको मतलब आपका सही बैठा कि नहीं, क्योंकि ये मैंने यूज़ किया हुआ है ये मेजरमेंट और मेरा सही बैठता है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, और मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आजकल हम लोग काफ़ी लोगों को आपने देखा और अगर आजकल हम लोग काफ़ी लोगों को आपने देखा ही होगा कि जो मतलब हम लोग जो ब्लाउज की जो बैक नेक जो होता है हम लोग का वो थोड़ा डीप होता है, जैसे 9 इंच 10 इंच। अगर आप 9 इंच और 10 इंच का अगर आप पसंद करते हैं बैक नेक डीप, तो आप उसमें आप शोल्डर कम कीजिएगा। आप इसको नेक की चौड़ाई भी आपको कम करने की ज़रूरत नहीं है, आर्म होल भी कम करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बस्ट के अनुसार आपको शोल्डर मतलब कम करना है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 6 इंच लिया हुआ है तो यहाँ पे आप 5.5 इंच लीजिएगा, अगर आपकी बैक नेक की डीपनेस 9 to 10 इंच है तो। अगर यहाँ पर अगर 34 है आपकी बस्ट तो आप उसमें 1/2 इंच कम कीजिएगा, यानी आप इसमें 6 इंच लीजिएगा। अगर 36 है तो इसमें भी आप 1/2 इंच कम कर लीजिएगा, इसमें भी 6 इंच लीजिए। 38 है तो इसमें भी आप 1/2 इंच कम कीजिएगा, 6 इंच लीजिएगा।
अगर आपकी 40 है, अगर 40 है तो इसमें भी आप कम कीजिएगा 1/2 इंच और इसमें भी 6 इंच का शोल्डर लीजिएगा। अगर आपकी 42-44 इंच है तो आप इसमें 6.5 इंच का शोल्डर लीजिएगा, मतलब इसमें भी आपको 1/2 इंच कम करना है, ठीक है। और आपकी जो नेक की जो चौड़ाई है उसको आपको कम करने की जरूरत नहीं है, बस आपकी जो आप ये है हम लोग का नेक की जो डीपनेस, बैक नेक की डीपनेस है वो आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप मतलब अगर आप 9-10 इंच रखना चाहते हैं तो ये वाला मेजरमेंट यूज कीजिएगा जो मैंने अभी लिख के आपको बताया है। अगर आपकी जो बैक नेक की डीपनेस अगर 5-8 इंच है तो आप ये वाला यूज कर लीजिएगा। फ्रेंड्स आपको दिख ही रहा होगा तो आप नोट कर लीजिएगा इसको, और आई होप कि अभी आपके जो ब्लाउज के शोल्डर जो है वो अभी नहीं गिरेंगे। आई होप कि आपका भी शोल्डर अच्छे से बैठेगा जब आप ये मेजरमेंट यूज करेंगे। ये मेजरमेंट जब आप यूज कीजिएगा तो आप प्लीज मुझे बताइए कि आपका सही बैठा कि नहीं, या अभी भी आपके शोल्डर गिर रहे हैं। अगर वाकई में अगर आपका ये सही बैठता है तो प्लीज मुझे कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।